फिर निकला काले हिरण के शिकार का भूत। तीन में से आखिरी मामले में पांच सितारों के खिलाफ आरोप तय करेगी जोधपुर की अदालत। जोधपुर पहुंचे सैफ अली खान, 15 साल पुराने काले हिरण शिकार के मामले में आरोपी हैं छोटे नवाब। तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी पहुंची जोधपुर। काकाणी मामले में हैं कुल 6 आरोपी। सलमान खान पर जोधपुर अदालत में हो सकते हैं पेश, दो दूसरे मामलों में सजा सुना चुकी है निचली अदालत। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सितारों ने किया था शिकार कंकाणी में, दो काल हिरणों को बनाया था निशाना। सलमान ने किया था काले हिरणों का शिकार, बाकी सितारों पर शिकार के लिए उकसाने का आरोप। गांव में शिकार के मामले में निचली अदालत ने सलमान को सुनाई है 1 साल की सजा। फिलहाल हाईकोर्ट में है मामला। घोड़ा फॉर्म शिकार मामले में निचली अदालत ने सलमान को सुनाई 5 साल की सजा। फिलहाल हाईकोर्ट में है ये मामला। घोड़ा फॉर्म मामले में 8 दिन जेल में रह चुके हैं सरू, हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। आरोप साबित हुए तो बढ़ेगी सितारों की मुश्किल, 6 साल कैद की हो सकती है सजा। समंदर किनारे कॉटेज में सीसीटीवी लगाने को लेकर विवाद में फंसे सलमान खान, मछुआरों ने लगाए प्राइवेसी में दखलंदाजी के आरोप। मछुआरों ने की पुलिस में शिकायत। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सलमान को सीसीटीवी हटाने के लिए दिए निर्देश। जस्टिस कबजू के बयान के बाद विवाद, संजय दत्त को माफी के पक्ष में है समाजवादी पार्टी और एनसी, लेकिन बीजेपी ने किया विरोध। संजय दत्त को माफ किए जाने के पक्ष में नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी, कहा माफी मिली तो देंगे चुनौती। जस्टिस कार्जू ने की है संजय दत्त माफी की वकालत, महाराष्ट्र के गवर्नर से की है अपील। दिल्ली के रोहिणी में एक धर्मशाला में भीषण आग में झुलसे 4 लोग, 1 की मौत। धर्मशाला में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। कानपुर के बिल्हौर में एक ट्रक जलकर खाक, ड्राइवर की मौत, ट्रक के क्लीनर का कोई अता पता नहीं। जीटी रोड पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद लगी आग। हाई अलर्ट पर दिल्ली, जामा मस्जिद छापेमारी के बाद 4 आतंकवादियों के घुसे होने का शक। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हंगामा, गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट। सीएमओ से बात करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार, अस्पताल के गार्ड्स ने की हाथापाई। एक मरीज के बारे में जानने के लिए पहुंचे मीडिया कर्मी, अस्पताल ने मरीज को भेज दिया था बाहर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रफ्तार का कर बेकाबू कार ने रिक्शा समेत 3 लोगों को कुचला। हादसे में एक समारोह से लौट रहे करीब 10 लोग घायल, महिलाएं और बच्चों को भी गंभीर चोटें। पूर्व मिस इंडिया एकता चौधरी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट को लेकर दर्ज कराया मामला, बीपी कंपनी में काम करने वाले युवक पर आरोप। एकता चौधरी का आरोप, फर्जी फेसबुक अकाउंट से फैशन शो के पास लिया करता था आरोपी युवक। गुड़गांव पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला, फिलहाल युवक को नहीं किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने जमकर भी बिताई। महिला का आरोप, डॉक्टर ने क्लिनिक में की छेड़छाड़, डॉक्टर ने आरोपों से इनकार, पिटाई करने वालों पर भी की कार्रवाई। दिल्ली के विकासपुरी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा बीवी पर शक की बात। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवक की लाश से सनसनी, बंद कमरे में मिला शव, गला रेत की गई हत्या। 2008 के सनसनी केस, किडनी रैकेट के सरगना डॉक्टर अमित समेत 5 को 7 साल की जेल, पंचकुला सीबीआई कोर्ट का फैसला।
बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में हो रहे समारोह में हंगामा। सोनू निगम के कार्यक्रम में लोगों ने फेंकी कुर्सियां, पुलिस ने भांजी लाठियां। सोनू निगम के कार्यक्रम में एंट्री नहीं मिलने पर भटे लोग, तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस ने जमकर बसाया डंडे। सीबीआई ने शनि में जब्त की 33 इंपोर्टेड कारें, 11 कारें बीसीसीआई चीफ श्रीनिवासन की कंपनी की, कुछ नहीं मिला सालिन और अडागिरी की फिर। यूपी के देवरिया में एसपी का शर्मनाक बयान, रेप की शिकायत करने पहुंची दलित महिला को कहा, इतनी उम्र में कौन करेगा बलात्कार। शर्मनाक बयान ने फड़ा तूल, यूपी पुलिस ने मांगी माफी, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों का कहर, एक बस और चार मोटरसाइकिलों को किया आग के हवाले। दो घंटे तक जारी रहा नक्सलियों का तांडव, कई राउंड की सरेआम फायरिंग, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। यूपी के कुशीनगर में बाघ का आतंक, अब तक दो गांव वालों को किया घायल। वन विभाग का दावा, आदमपुर नहीं है बाघ, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आया गांव की ओर। वन विभाग के अधिकारियों का हैरान करने वाला बयान, दो दिनों में खुद वो खुद चला जाएगा बाघ। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में सांड का आतंक, एक शख्स की ली जान, कई घायल, घंटों की मशक्कत के बाद आया काबू। कीर्तनगर से रिश्तेदार से मिले आए थे एलआईसी एजेंट शैलेन्द्र भारद्वाज, सांड के बने शिकार। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का आंदोलन, बिजली और पानी पर केजरीवाल आज करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। आज दिल्ली के सुंदर नगरी में अनशन करेंगे केजरीवाल, सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे राजघाट और भगत सिंह पार्क। चादरा और सीमापुरी होते हुए सुंदर नगरी पहुंचेंगे केजरीवाल, 11 बजे से शुरू होगा दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होगा अनशन, बिजली की दरों में कमी की मांग कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल के अनशन को नहीं मिलेगा अन्ना का साथ, अपने अलग आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं समाज। बजट सत्र में ब्रेक होते ही तेल कंपनी ने गिराई गाज, डीजल के दाम में 45 पैसे की बढ़ोतरी। घाटे की दलील देकर कीमत बढ़ा रही हैं तेल कंपनियां, हर महीने बढ़ेंगे डीजल के दाम। दिल्ली में 48.67 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत, डीजल की बढ़ी कीमतें बढ़ाएंगी महंगाई। मुंबई में 54.83 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत, चेन्नई में 51.78 रुपए नया दर। कोलकाता में 52.57 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा डीजल, लखनऊ में 51.80 रुपए नई कीमत। गुजरात में डबल डिजिट में विकास के मोदी के दावे की सीएजी ने निकाली हवा, 25 साल 41% बढ़ा वित्तीय घाटा। सीएजी ने रिपोर्ट में की आलोचना, कहा राज्य में समझदारी से नहीं हुआ खर्च, कर्ज में डूबा राज्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधायकों को दिया होली का तोहफा, 1000 रुपए बढ़ाई पेंशन। पूर्व विधायकों को 7 की जगह 8000 रुपए मिलेंगे पेंशन, रेलवे कूपन की सीमा भी बढ़ाकर 50,000 से 60,000 की गई। प्रमोशन में आरक्षण पर मायावती ने फिर छिड़ी मुहिम, सरकार की मंशा पर उठाया सवाल। बजट पेश होने के बाद संसद सत्र में ब्रेक, अब 22 अप्रैल फिर शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। फिर लटका फूड सिक्योरिटी बिल, हंगामे की वजह से लोकसभा में नहीं हो सका पेश, राजीव शुक्ला बोले डाली जा रही है अड़चने। शुक्रवार को राज्यसभा में तमिल मुद्दे पर जोरदार हंगामा, एआईएमडीएमके सांसद ने फोड़ा सभापति रेणुका चौधरी का माइक, टिप्पणी से नाराज थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा मॉल और जनसंख्या बढ़ाने से बढ़ रहे हैं बलात्कार। बीएसएफ पर आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म, जवानों को लाठियां दिए जाने पर सरकार ने दी सफाई। महाराष्ट्र विधानसभा में एसआई पिटाई केस में कानून का डंडा, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में
रामकरम और क्षितिज ठाकुर। योग गुरु रामदेव पर कस सकता है सीबीआई का शिकंजा, गुरु के गायब होने की जांच शुरू, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आचारा ग्रुप की याचिका पर सुनवाई करेगा सेबी ट्रिब्यूनल, दो कंपनियों की कुर्की के आदेशों को दी गई थी चुनौती। सेबी ने जारा को दिए थे निवेशकों को पैसे लौटाने के आदेश, 24,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने पर जारी किए गए तुर्की के ऑर्डर। मुंबई और कोलकाता में रिन्यू नहीं होगा वोडाफोन का लाइसेंस, फिर से लगानी होगी बोली, कंपनी ने जताई निराशा। हैदराबाद ब्लास्ट पर आज तक का सनसनी केस खुलासा, पहली बार देखा साइकिल पर बम ले जाते आतंकियों का वीडियो। हैदराबाद बम धमाके में इस्तेमाल की गई काले रंग की पुरानी साइकिल, सफेद रंग का मडगार्ड, साइकिल के पीछे करियर पर लगा रखा था सफेद पैकेट, पुलिस को शक इसी साइकिल कराया गया विस्फोट। दिलसुख नगर के शोरूम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई साइकिल, धमाके से पहले शोरूम से गुजरा आतंकी, सीसीटीवी कैमरे में कैद दो साइकिलें और दो आतंकी, 40 मिनट बाद बगैर साइकिल के लौटा आतंक का सौदागर। आज दिल्ली टेस्ट का दूसरा दिन, 231 से आगे खेलेंगे कंगारू, 8 बल्लेबाज लौट चुके हैं पवेलियन, 47 रन पर खेल रहे हैं सीरियल। कोटला में तला अश्विन का जादू, पहले दिन झटके 4 विकेट, शांत और जडेजा को मिले 2 विकेट। दिल्ली में अजिंक्य रहाणे के टेस्ट करियर की शुरुआत, आज मिल सकता है बल्लेबाजी का मौका। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने दी रहाणे को नसीहत, नहीं गंवाना चाहिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका। पहले दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया लौटे कंगारुओं के कप्तान, पीठ में दर्द की वजह से कोटला टेस्ट में नहीं खेल पाए क्लार्क। चौथे आखिरी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं 5 बदलाव, क्लार्क की जगह वॉटसन के हाथों में टीम की कमान। जो टेस्टिंग के मामले में गंभीर है बीसीसीआई, सूत्रों के मुताबिक कोटला टेस्ट के दौरान लिए गए क्रिकेट खिलाड़ियों के डोप सैंपल। टेस्ट क्रिकेट के दौरान डोप सैंपल का पहला मामला, घरेलू और आईपीएल क्रिकेट में लिए जाते हैं सैंपल। क्रिकेट के पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले ने की कंगारू की आलोचना, कहा मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम में नहीं दम। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने जताई उम्मीद, इंग्लैंड में खेली जाने वाली आखिरी चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय टीम। मथुरा के बरसाना में लठमार होली ने जमाया रंग, होली 5 दिन पहले शुरू होती है अनूठी होली। गोपियों पर गोपिकाएं बरसाती हैं, अनूठी होली देखने के लिए दुनिया भर से जुटे सैलानी। दिल्ली में भी चढ़ने लगा होली का खुमार, दिल हाट में बिहार के लोग गीतों पर जमकर मिलो। होली से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पूरी दिल्ली में लोक कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली के कनाडा दूतावास में भी आयोजित हुआ होली कार्यक्रम, लोगों पर चढ़ी गुलाल की नस्ती। दिल्ली में बढ़ते डिजाइनर्स ने दिखाया जलवा, पटना के छात्रों ने रैंप पर पेश किया समर कलेक्शन। दिल्ली में टर्किश फेस्टिवल का आयोजन, 3 दिनों तक चलेगा भारत और तुर्की के बीच रिश्तों को मजबूत करने वाला उत्सव। कश्मीर की वादियों में आई बहार, फूल और फलों से भरी घाटी, सैलानियों की छलकी खुशी। ठंड को अलविदा कहने के बाद खेतों की ओर लौटे किसान, बेजान हो चुकी घाटी में लौटी ड्रोन। दुनिया भर में आज मनाया जाएगा अर्थ आवर, भारत के 150 शहरों में भी 1 घंटे तक बुझ रहेंगी बत्तियां। चीन के तांगशेंग शहर में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हुआ भयानक हादसा, 7 की मौत, 5 से ज्यादा घायल। बिल्डिंग में 4th मंजिल काम हो रहा था पूरा, तभी भरभरा कर गिरी इमारत, कई लोगों को मलबे से निकाला गया।
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में छापामारी से ड्रग्स, डॉलर और गहनों की बड़ी खेप बरामद। 8 देशों की पुलिस ने मिलकर चलाया संयुक्त अभियान। छापामारी में पुलिस ने जब्त किए 42 किलो ड्रग्स और 20 करोड़ रुपए। पिछले एक साल से चल रहा था ऑपरेशन वॉलेंट। नए पोप फ्रांसिस ने की दुनिया भर के 180 देशों के राजदूतों से मुलाकात। इस्लाम के साथ ज्यादा बातचीत पर दिया जोर।